हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस यू पी पी एस सी ये करंट अफेयर क्रैश कोर्स है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसका बैच ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये टेस्ट सीरीज यू पी जी के अदर मटीरियल है इसको भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके और इसका बैच भी ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट से स्टार्ट हो रहा है चलिए हम अपने करंट अफेयर्स का टेस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असरशन Fifteenth Finance Commission has cut state share of central tax to the state by one percentage point to 41%. Reason: The newly formed Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh, which will get fund from the central share. So select the correct answer from the code given below. So its answer is answer A. Both A and R are correct, and R is the correct explanation for A. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है उसने जो स्टेट का शेयर है जो सेंट्रल टैक्सेस में से है वो वन परसेंट जो है वो कट कर दिया है और ये फोर्टी वन परसेंट हो गया है और ये इसलिए करा है क्योंकि जो न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसको जो अब जो शेयर है वो सेंट्रल के शेयर से मिलेगा तो इट मीनस कि जो 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 फिनंस कमीशन जो स्टेट डेवोल्यूशन है वो ट्वेंटी एट स्टेट के लिए होगा ना कि 29 के लिए 29 के लिए पहले होता था अब ये 28 के लिए होगा। इंटरनेशनल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सिंस टू शोकेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया टू इट हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश इन 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका आंसर है आंसर ए वन ओनली तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इनग्रेट किया थर्टी फोर सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला और यह सूरजकुंड हरियाणा में होगा और इसका जो थीम स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है और पार्टनर नेशन जो 2020 का है उजबेकिस्तान है और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इंग्लैंड है वो फर्स्ट टाइम जो है वो सूरज मेला में पार्टिसिपेट करेगा क्वेश्चन नंबर थ्री चूज द करेक्ट वन ब्रिटेन हैज़ ऑफिशियली ऑफिशली लेव द यूरोपियन यूनियन ऑन थर्टी जनवरी ट्वेंटी द यू विल बी एबल टू वर्क इन एंड ट्रेड फ्रीली विद यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन नेशन एंड वाइस वर्सा अंटिल दिसंबर थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री आफ्टर यू के लीव यूरोपियन यूनियन हैज ट्वेंटी एट मेम्बर्स तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है तो so, इसका आंसर है आंसर ए वन एंड टू तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि ब्रिटेन है उसने ऑफिशियली जो यूरोपियन यूनियन है उसको थर्टी फर्स्ट जनवरी को आ, लीव कर दिया है और जो यूनाइटेड uh, किंगडम है वो जो यूरोपियन uh, नेशन के साथ जो फ्रीली uh, जो ट्रेड है वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2020 तक कर सकता है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है इसमें लिखा है कि यूके uh, को लीव करने के बाद यूरोपियन यूनियन में 28 मेंबर बचे हैं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यूके के लीव करने के बाद जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 मेंबर बचे हैं क्वेश्चन नंबर फोर द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव हेल्ड इन तो इसका आंसर है आंसर सी लखनऊ तो इंडिया और 50 अमेरिकन कंट्रीज ने एक लखनऊ डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था एट द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव जो लखनऊ के अंदर हुई थी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रैफिकिंग टू इट वॉज हेल्ड इन हैदराबाद तो इसका आंसर है आंसर ए वन ओनली तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार जो है वो फर्स्ट एवर बिमस्टेक कॉन्फ्रेंस हो रही है ड्रग ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए और इंडिया ने ये होस्ट किया है और ये न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट हुआ था और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली इन विच स्टेट लोकल बॉडीज़ इलेक्शन फेशियल रिकॉग्निशन ऐप फॉर वेरीफिकेशन एंड रियल टाइम ऑथेंटिकेशन ऑफ वोटर्स वॉज यूज तो अभी हाल ही में एक स्टेट लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है एक स्टेट के अंदर उसमें फेशियल रिकॉग्निशन ऐप यूज़ हुई है वेरीफिकेशन के लिए वो कौन सा स्टेट है तो इसका आंसर है आंसर सी तेलंगाना तो तेलंगाना अर्बन लोकल बॉडी में अभी फेशियल रिकोगनीन ऐप यूज़ हुई थी क्वेश्चन नंबर सेवन चूज द रोंग मैच रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अवार्ड तो ये प्रधानमंत्री वंदना योजना अवार्ड से रिलेटेड आपको ऑप्शंस गिवन है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आजकल आ रहे हैं बी एग्जाम में भी काफ़ी ये सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं और जो बी एग्जाम में जितने ज़्यादा करंट अफेयर्स आए हैं वो बेसिकली जो हमारा ये करंट अफेयर कोर्स है उसमें से काफ़ी हद तक मतलब आप समझ लीजिए नाइन्टी परसेंट जो करंट अफेयर है वो वहाँ से ही आया है तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो गया आंसर डी हिमाचल प्रदेश तो ये करेक्टली मैच नहीं है बेसिकली uh, जो स्टेट है विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन वन करोड़ इसको मध्य प्रदेश ने टॉप किया है और डिस्ट्रिक्ट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन वन करोड़ इसको इंदौर ने टॉप किया है हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन वन करोड़ इसको सरची ने जो टॉप किया है और स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन वन करोड़ इसको दादरा एंड नागर हवेली ने टॉप किया है तो आंसर सेवन का आंसर हो गया डी क्वेश्चन नंबर एट सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री तो इसका आंसर है आंसर बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि जो एक साथ ही नाम से भी है एस ए ए टी एच आई जैसे आपको अगर ये दे दिया आपको सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल और टेक्निकल हल्ब इंस्टीट्यूट ना देके सिर्फ आपको एस ए टी एच आई दे दिया और ऐसे टी टी एच आई से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पूछ ली तो वो तो जो साथी है सस्टेनेबल एंड एस रिलेटेड ऑफ एफिशेंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो वो एक स्कीम है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये जो है एस ए टी एच आई ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर नाइन विच कंट्री कोर्ट हैज़ रूल्ड अगेंस्ट द डिजिटल डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मेकेज्म कॉल्ड सिस्टम रिस्क इंडिकेटर तो अभी किस कंट्री ने जो uh, किस कंट्री के कोर्ट ने जो रूल uh, दिया है अगेंस्ट डिजिटल आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म तो इसका आंसर है आंसर डी नीदरलैंड क्वेश्चन नंबर टेन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज टू बी सेटअप एट तो इसका आंसर है आंसर सी गिफ्ट सिटी गुजरात क्वेश्चन नंबर इलेवन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वन बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हैज बिन इंक्रीज फ्रॉम वन लेख टू फाइव लैख पर डिपॉजिटर टू ऑडिट थ्रेश होल्ड फॉर एस एम एस एम ईज रेस्ड टू फिफ्टीन फाइव करोड़ फ्रॉम वन करोड़ तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर है आंसर सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि जो बजट 2021 है उसमें अनाउंसड हुआ था कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कवर है वो अब एक लाख से लेके एक लाख से इंक्रीज होके पाँच लाख पर डिपॉजिटर हो जाएगा और जो ऑडिट थ्रेश है एम का वो पाँच करोड़ इंक्रीज हो जाएगा तो इलेवेंथ का आंसर हो गया सी क्वेश्चन नंबर 12 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 ट्वेंटी इंडियाज इंटरेक्ट इंडियाज रैंक हैज़ इंप्रूव्ड फ्रॉम 2019 नाइनटीन आई पी इंडेक्स टू इंडिया इज एट फोर्टीथ पोजिशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड आई पी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टॉप्ड बाय स्वीडन। तो इसका आंसर है आंसर बी टू ओनली सिर्फ जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो इंडिया की जो रैंक है ट्वेंटी ट्वेंटी आई इंडेक्स है उसमें इम्प्रूव नहीं हुई है बेसिकली उसकी रैंक जो है डिग्रेड हुई है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इंडिया की जो रैंक है वो इम्प्रूव नहीं हुई है वो डिग्रेड हुई है बेसिकली हम बिज़नेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग का इतना अच्छा रैंक है और बिजनेस में इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें इंडिया की जो है रैंक है वो स्लिप्ड हुई है तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है तो इंडिया की जो रैंक है वो स्लिप्ड हुई है अब वो फोर्टीथ पोजीशन पे आ गई है और जो आईपी इंडेक्स जो उसको टॉप किया है वो यूएसए ने किया है और जो 2019 है उसमें इंडिया की रैंक 36 थी क्वेश्चन नंबर 13 चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट द फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन सिक्किम टू सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड तो इसका आंसर है आंसर बी टू ओनली तो सिर्फ स्टेटमेंट टू जो है वो सही है फर्स्ट गलत है क्योंकि जो फर्स्ट नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है वो न्यू दिल्ली में होगा ना कि सिक्किम में और इसकी जो थीम होगी वो होगी अनलिशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल और जो जो सिक्किम है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन

डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट से हटा दिया है और अब लिस्ट में जो है वो थर्टी सिक्स डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो इंडिया के पास जो प्रफेंशियल जो ट्रीटमेंट था विद रिस्पेक्ट टू तो सी डी और यू एस का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस तो उससे अब इंडिया बाहर हो गया है और अब जो नई लिस्ट है उसके अंदर जो 36 डेवलपिंग कंट्रीज हैं एंड 44 फोर लीज डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा भी जो अदर जो कंट्रीज़ हैं जिनको यू एस यू एस टी आर ने एलिमिनेट किया है वो ब्राज़ील इंडोनेशिया होंगकोंग साउथ अफ्रीका मलेशिया थाईलैंड वियतनाम और अर्जेंटीना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज डेवलप डेवलपिंग एंड लीज डेवलप इज डन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया वन पर कैपिटल ग्रॉस नेशनल इनकम और जी एन आई टू शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड थ्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबरशिप ग्रुप जी ट्वेंटी मेंबरशिप तो इसका आंसर है आंसर डी वन टू थ्री एंड फोर तो ये सार, मतलब ये सारे क्राइटेरिया हैं जिस, जिसके बेसिस पे जो है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड डेवलपिंग एंड लीज डेवलप को घोषित किया जाता है तो इंडिया को जो है वो डेवलपिंग जो नेशन है उससे जो निकाला गया है वो इसलिए निकाला गया है कि जो इंडिया है वो जी ट्वेंटी का मेंबरशिप है तो उसको अब डेवलप्ड क्राइटेरिया में डाल दिया गया है तो ये सारी क्लासिफिकेशन गिवेन है कि इसमें जो है पर कैपिटल ग्रॉस इन नेशनल इनकम देखी जाती है शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और अदर फैक्टर जैसे ओ की मेंबरशिप या फिर एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ईयू यू की मेबरशिप या जी ट्वेंटी मेम्बरशिप एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें इसमें क्लासिफिकेशन में देखी जाती हैं ये हम टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज कंडक्ट करते हैं ये बिल्कुल फ्री है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस डेली कोइज में पार्ट ले सकते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट